जी बोले, आपका नाम क्या रियल में? आपको मैं इस तरह तो नहीं बुला सकता, बुम्बा दुम्बा। मेरा नाम मनाहिल है। ना कीजिए। ये मेरी एक्स का नाम रह चुका मेरा लौड़ा। पहले मेरा। आप कहीं वही तो नहीं है? वो भी वैसे यूएसए मूव हो गई थी बाद में। हाँ मैं वही हूँ। व्हाट? वही है। मनाहिल पूरा नाम क्या? रोज। ओह फक। मनाहिल क्या? रोज। ना करें। वाकई सीरियसली? अबे लौड़े। हाँ जी कैसे हो? हाँ जी तुम इधर पुलिस वाला है बड़वा है ऐसे तकड़ा हो के पूछ रहे। जी भाई कैसे हो? ये गालियां कौन दे रहा है? आपको पता है मैं हूँ कौन? तुम जो भी है हमारा लंड से चढ़ो। आपको पता है मैं हूँ कौन? रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है यार। बंदा लॉबी में आके गालियां दे रहे उसको आप। जे भाई कौन है? एक सेकंड। पता है यार हम लोग को क्या पता? एक अननोन बंदा लॉबी में आके आराम से बात कर रहा, आप कह रहे हो मेरे लंड पे चढ़ो। लंड हो गया कि पहाड़ी हो गई एक है यार। आप जानू नहीं पता था हमने कहा शायद तुम हमको बताएगा कि क्या है। मतलब कि कोई बंदा आता है लॉबी में तो आप उसको ये बोलते हो भरे लंड आ गया। एक कंकरर प्लेयर को आपने लंड बोल दिया यार। कंकरर हमारा लंड से फिर। तो मुझे लंड बना रहे जी भाई? नहीं तुम्हें मैं लंड लग रहा हूँ, मेरी शक्ल देखो। यू थिंक आई एम अ लंड? शक्ल से तो आप हमको थोड़ा फालिज बकरी लग रहे। मसला ये तुम मेरे को माड़ा झुकते मार रहे हो। लगता है तुम पैदा फैसलाबाद में हुआ है लेकिन बलोच में चला गया बहुत जल्दी। हाँ अगर हम लोग खुदा की कसम हम लोग बलूचिस्तान वाले हम लोग किसी को नहीं जानते, बड़ा प्लेयर कौन छोटा प्लेयर कौन, इधर जो आता है हम लोग का दोस्त है। सही है जो आता है उसको लंड ही बोलता है। आपका नाम क्या? किंग बलोच आपका नाम क्या? मेरा नाम जरक है। आपका जरक और मेरा ठरक। बस आ जाओ फिर वट्टा सट्टा जय भाई आसरा नोट। ऐसा में 15 मिनट आप चढ़ो 15 मिनट में आना जी भाई। जी भाई आप खुदा की कसम खाओ आप नहीं अस्त्र कौन दे रहे। यार रानी मुझे भी नहीं। जी भाई आप खुदा की कसम मर गया मार भाई निकल जाएगी। पीछे से दे दिया किसी ने। यार रानी मुझे भेजो। मैंने आपको पहले बोला था अगर आपका खून खत्म किया है इंशाल्लाह दोबारा रिफिल भी करेगा। हाँ ना हम लोग मैकडॉनल्ड का जूसर की तरह है, जूस गिर गया फिर रिफिल करता है। जरा भाई जरा हंस के दिखाएं फिर से खुला। चल हेलो सारा। सारा डू यू हैव माइक? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सारा। ये बलोच भाई ये कहाँ हैं? बहुत दूर से बलोचिस्तान से ये आपसे बात करना चाहते हैं कुछ देर के लिए। सारा जी मैं ये बोलना चाह रहा था आज 14th February है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ है आगे पीछे दोस्त वोस्त कोई सिंगल मिंगल तो प्लीज आसरा तावान। मगर आपके दोस्त का ख्याल में आल हम लोग फुल रखेंगे इंशाल्लाह बलूचिस्तान में उसको। फिलहाल मेरे पास कोई दोस्त अवेलेबल नहीं है आपके लिए। सॉरी। हैप्पी वैलेंटाइन डे मिस्टर जे। थैंक यू सो मच सारा। पप्पी कब देगा? वैलेंटाइन डे खुदा की कसम क्या करें आप मुझसे कितने दूर हैं मनाएंगे उसके साथ। 16th February को हम लोग के बलूचिस्तान में 3 दिन चलता है ईद की तरह। तो 3 दिन तक आप लोग क्या करते हैं? बस 3 दिन तक रेड सूट पहन के बाजार में घूम रहे होते हैं। अगर किसी को पसंद आ गए तो ठीक है। जाके बाजार में घूमे ना क्या पता कल तक कोई मिल जाएगी। सारा हम लोग बाजार में क्यों घूमे जब आपकी तरह दोस्त हमारे आसपास है। हम लोग खुद क्या खुदा ने मारा की बाजार में नहीं है ना क्या कर सकती हूं। सारा अभी मैं लॉबी में आया था मुझे लंड बोला कहते हैं ये लंड कौन आ गया यहाँ पे। अरे तौबा करो यार। अरे तौबा करो भाई माना। ब्लॉग में मुझे ये बताएं सारा की आवाज से आपको क्या लगता है दिखने में कैसी होगी? ये थोड़ा सा बर्गर बच्चा है सर। बर्गर नहीं है वो जो बचपन में मैकडॉनल्ड वाला चाचा की गोद में बैठ के नगेट खा के फिर तस्वीर लेते। वही मैं बता रहा हूँ। आपने मैकडॉनल्ड्स गए हैं आप कभी? कि मेन एंट्रेंस पे आपने देखा होगा एक येलो कलर का चाचा है वो जो रेड कलर का टोपी लेके बैठा होता है। उसके साथ बैठ के आपने बच्चे भी देखे होंगे कभी खा रहे होते वो माँ बाप उनकी तस्वीरें ले रहे होते। एक बच्चे को उसके कंधों पे बिठाया एक को टोपी के ऊपर एक को गोद में। ये सारे यही यही कुत्ते के बच्चे बर्गर है सारे बल्ला।
मिस्टर जे भाई, ये तो सारा किबला आपकी तरफ है, हम लोग की तरफ भी थोड़ा दो नफल पढ़ाओ इसको, समझ रहे हो? आपको ये कहाँ से मिला मिस्टर जे बलोच भाई? ये मैंने रैंडम लॉबी में गया हूँ, एंटर होते ही बोल दिया ये लंड कौन आया, फिर यही लोड़ो मिल गया। मिस्टर जे आपने डायरेक्ट हमारे ये लोड़ो शक्ल से तो प्यारा है मिस्टर जे। कौन शक्ल से, कौन शक्ल से प्यारा? एक सेकंड, कौन शक्ल से प्यारा सर? बस बस बस, दिल आ गए जे भाई, दिल की आवाज नहीं है, बस वेट टाइम बोलूं जो बोलो। अभी फिलहाल लोड़ू मोड़ू जो बोलना है बोलो, बस कमेंट आ गया दिल का। मेरी बात सुनो सारा, मेरी बात सुनो, मैथ्स वाला, तुमने उसकी फोटो देखी और तुम साथ ही तारीफें मेरे सामने खड़ी होकर उसकी तारीफें करने लग गई, मतलब तुमने एक बार भी नहीं देखा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं साथ खड़ा हूँ तुम्हारे। हैं वेल डन। नहीं मिस्टर, लेकिन तुमसे ज्यादा प्यारा नहीं भाई, मैं आपको एक मशवरा दूं। जी बोले, हमारे दादाजी बोला करते थे लड़ाई के बाद अगर मुक्का याद आए तो इंसान को खुद को मारना चाहिए, समझ रहे हो? पहले तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ आप दोनों ठेठ लड़ो। सारा मैं इसको छोड़ो, मैं आपके लिए लेके जाऊंगा अपने पास फूल आपके लिए, रहोगे बलूचिस्तान में, मगर यहाँ पे आपको ऐसे ब्रांडेड बच्ची बना के रखूंगा ना, एलवी गुची पराडा से नीचे आप बात नहीं, नहीं करो। चाहिए मिस्टर जी, अगर मुझे कुछ भी नहीं देगा ना, लेकिन मैं इसके साथ लाइफ गुजार दूँ। यार उसके अंदर ऐसा क्या चीज है जो तुम पागल हो गए? मुझे खुद नहीं पता, अभी मिस्टर जी से पूछे ना उसे मेरे ऊपर क्या याद हो गया। हम लोग के अंदर कांटे तो नहीं है यार तुम? ओए मिस्टर जी के अलावा मुझे कोई नजर भी नहीं आता है यहाँ पर। आप फिर अपने आंखों का इलाज करवाओ, कसम से आप मेंटली से बहुत करा। हेलो जरक भाई, क्या हो गया? सही बताओ, लड़की है मेरी यार। जे भाई जैसा नहीं हम बांध सकते, मशहूर भड़वा। नहीं नहीं हाँ, आप जाके गूगल यूट्यूब पे सर्च करें ना इनका नाम क्या है। सारा मैंने आपको पहले बोला ये गूगल मूगल वाला, इतना मेरे पास फारिग टाइम नहीं है। पहले से आराम है, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। जी भाई बलोच ने उसको रिक्वेस्ट भेजी है सारा को, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। सारा ये क्या बकचोदी होती है यार, ये क्या? नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बलोच भाई आपने क्यों बताया यार? जी भाई माजरत करना, मैंने आपके रोजी रोटी पे लात मारा है भाई। सारा आपको अल्लाह जे भाई के नसीब में करे, मुझको खुदा की कसम ऐसे लड़की से अच्छा है मैं ईंट से दोस्ती करूं, समझ रहे हो? कम से कम सर में मार तो सकूंगा। तुम एक जगह कहती रहती ऑडियंस के सामने कि जे लाइक यू लाइक यू लाइक यू, ठीक है? आज 14 फरवरी पर एक रैंडम बंदा आया, उसकी तुम फोटो खोल के मेरे मुंह के सामने तुम कह रही हो आई एम इम्प्रेस्ड। तो ये तो भाई ये क्या बकवास है भाई, ऐसे नहीं, और ये मैं सीरियस हूँ, नहीं 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 यार ऐसे नहीं होता है। पिछले 6-7 महीने हो गए हैं साथ। नहीं नहीं ये मेरी बात मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ उस वक्त का, ठीक है? तुम एक रैंडम बंदे की फोटो खोल के मेरे मुंह के सामने कह रही हो कि ये लड़का हैंडसम है। आज तुमने ये हरकत कर दिया, कल राह में चलते चलते मेरे साथ चल रही होगी, पीछे देखोगी बंदा वाओ जे उसकी बुंड देखो कितनी बढ़िया, लाइक ऐसे थोड़ी। मैं तो एक लाफिंग जोक मान गया हूँ यार, लाफिंग जोक मान गया हूँ यार। हाँ तो ये भाई